फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? सब ठीक हो? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कैंटीन की। आर्मी कैंटीन में क्या क्या सामान मिलता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, और रस्ते में क्या क्या चीज़ें उसके बारे में भी आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी। यहाँ पे मंदिर किस टाइप के हैं, किस तरह का कलर होता है मंदिरों में, तो बहुत सुंदर सुंदर है वो चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी जरूर देखें। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज कैंटीन जा रही हूँ, तो कैंटीन जाने के लिए ये स्टेशन की गली जा रही है, देखिए। और आज ये इस टाइम पे ये भीड़ इसलिए है क्योंकि 8:30 का टाइम हो चुका है और ये टाइम सब ड्यूटी जाते हैं, तो इस वजह से इतनी भीड़ हो रही है। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। और आपको इस गली को मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया नहीं था, तो इस वजह से मैं इस ब्लॉग में ये गली दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये गली में फूल फल फ्रूट की दुकान है, फूल आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए फूल की दुकान आ चुकी है, यहाँ कितने प्यारे फूल बनते हैं, ये मंदिर में पूजा के काम लेते हैं। देखिए 3 कलर मिक्स करके फूल बनाए जाते हैं, इनका तरीका भी बहुत हटके है बनाने का। अपने इधर यानी सुई ली, धागा लिया और पौधिए, ये कोई जेवड़ी सी है उससे ये गूँथ के बनाते हैं ये माला। अब ये फल फ्रूट की दुकान आ चुकी है, यहाँ देखिए 3 दुकान है फल फ्रूट की बराबर से, एक साथ बहुत सारे फल फ्रूट मिलते हैं कोई भी लो। और अब मैं इस ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, देखिए अगल बगल में हरियाली, नारियल के पेड़ और सारे पेड़ आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये एक छोटा सा वर्कशॉप है, यहाँ पे ट्रेन नहीं ठीक होती है लोकल। और अब मैं हम स्टेशन से उतर के डायरेक्ट रेल बस स्टैंड आ चुके हैं, ये ऑटो खड़े हैं दो तीन। हम कैंटीन जाने के लिए बस में जाएंगे, कोई उसमें जाना चाहे ऑटो में तो जा सकता है, बस में जाना चाहता है तो बस में जा सकता है, तो हम बस में जा रहे हैं। ये बस में मैं चढ़ने वाली हूँ, ये देख, ये आदमी अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता फिर भी ये टच वाला फ़ोन चला रहा है, देखिए। और हमारी इतने में बस भी चल चुकी है, लोग देखो कैसे लटक के चढ़ रहे हैं, गलत बात है, ऐसे लग जाती है चोट, ऐसा चढ़ना नहीं चाहिए, पर लोगों को समझ में नहीं आती। अब ट्रेन थोड़ी गाड़ी खाली हो गई है बस, अब भीड़ कम है, तो मैं जब तक आपको बाहर का थोड़ा दिखा देती हूँ यहाँ पे चेन्नई में किस तरह हरियाली रहती है, गर्मी हो या सर्दी कोई भी मौसम हो यहाँ हरियाली रहती है। और हम बस में जा रहे हैं सफ़र करने, ज़्यादातर हम ट्रेन का सफ़र करते हैं, अपन कहीं कहीं जगह हम बस का भी सफ़र करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मकान है जिसके कलरिंग देखो कितनी प्यारी है, यहाँ पे इस तरह के कलर यूज़ करे जाते हैं मकान को पेंट करने के लिए। बस स्टैंड आ गया है और हमारा अब उतर चुके हैं और रोड क्रॉस करेंगे हम। और ये देखिए आ गया आर्मी कैंटीन, ये हॉस्पिटल भी है इसके अंदर और कैंटीन भी है, दोनों चीज़ है। हम थोड़ा जल्दी आ चुके हैं क्योंकि भीड़ बहुत होती है, लेट आते हैं तो हमसे पहले बहुत लोग बैठे रहते हैं इस वजह से। और अब ये टाइम तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा क्योंकि भीड़ कम है और कैंटीन अभी बंद है, तो लाइन लगा लेंगे, नंबर लगा लेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ का वीडियो और दिखा बना दूँगी कि आप लोगों को कैंटीन कैसे है, किस टाइप का है, सब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इसमें। और यहाँ हॉस्पिटल है उसकी भी थोड़ी वीडियो दिखाऊँगी। देखिए ये देखिए कैंटीन आ चुकी है और ये बंद है कैंटीन। चलो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा देती हूँ, यहाँ पे हरियाली किस टाइम है, ये हॉस्पिटल है पूरा इधर आर्मी, ये देखिए हरियाली, ग्राउंड टाइप में बना रखा है और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है और कैंटीन भी, दोनों चीज़ है। अब हम अंदर घुस चुके हैं तो देखिए अंदर आप लोग,
क्या क्या सामान है, आप लोगों को सारा सामान दिखेगा। पंखा, फैन है यहाँ पर, और देखो दो कलरिंग में फैन है यहाँ। नॉन मिक्सी, बैग्स, चटाई, सब चीज़ मिलेगी यहाँ पे, आप लोग देखिए। ये चटाई है यहाँ पर, यहाँ ऑल टोटल सामान मिलता है कैंटीन में, आप लोग देखिए। ये सारा सामान मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तेल, सब चीज मिलती है, शैम्पू, तेल, सरफ, टाइड सरफ भी है, शैम्पू है, बॉडी लोशन है, सेंट है, साबुन है नहाने का, कपड़े धोने का, नहाने के दोनों साबुन भी है, कुकर है, मिक्सी है, अगरबत्ती, खाने रखने का टिफ़िन, देखिए अगरबत्ती के इतने टाइप के बहुत, ये चॉकलेट, बिस्कुट बच्चों के, घी, हॉर्लिक्स बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, चिप्स, कुरकुरे, दाल। आज मैं आप लोगों के लिए कैंटीन की वीडियो बना रही हूँ, शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। देखिए ये लाइन लग गई है यहाँ पे सामान की, कंप्यूटर द्वारा ले वो होती है, हम बाहर निकल चुके हैं, अब हम घर की ओर जा रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ का और थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पर गर्मी है, हरियाली है, सबसे ज़्यादा गर्मी चेन्नई में पड़ती है, उमस टाइम में, कई दिन हो गए बरसात भी नहीं हो रही तो ज़्यादा गर्मी ही लगती है, फिर भी यहाँ देखो हरियाली है, पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बताइए, इस वजह से यहाँ हरियाली परमानेंट रहती है। अब हम बाहर निकल चुके हैं, देख ये आ गया हमारा बस स्टैंड पे, हम देख बस आने वाली है थोड़ी देर में शायद, इस जब तक आप बैठे बैठे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सामान। टाइड सरफ लिया था मैंने, ये लो बस आ गई है, बस में हम चढ़ जाते हैं, और अब आपको जो आते वक्त हम दिखाना आए थे भीड़ के कारण, अब दिखाएंगे कि रास्ते में क्या क्या चीज़ है। ये देखिए ये
मंत्रियों का ऑफिस है, पूरा ही ऑफिस है। ये खेल मैदान है, पर यहाँ पे जब भी अपने इधर लोग आते हैं तो यहाँ पे दौड़ होती है उनकी। और ये देखो कितने प्यारा मंदिर है, मंदिर में इस तरह कलरिंग और इस तरह छोटे छोटे वर्क का काम हो रखा है। ये फौजियों का हुआ है, देखिए मंदिर है, एक पार्क है, कृष्ण मंदिर पार्क सारी चीज़ें हैं। ये आ गया फौजियों का ऑफिस है ये। चलो हमारा भी उतरने का समय आ गया, हमारी स्टेशन अब हम उतरने वाले हैं। और अब हम एक बच्चे के लिए बैग नहीं लाए थे क्योंकि वहाँ बैग थे नहीं, तो इस वजह से बैग इस दुकान से ख़रीदेंगे। तो आपको हमारे ये थोड़ा सा मार्केट का भी दिखा देते हैं। ये आ गया दुकान, आप लोगों को दिखा देते हैं। बैग ले रहे हैं हम, इनके दो बच्चे हैं तो इनके दो बच्चों के लिए बैग खरीदने आए हैं। ये देखिए जूते, चप्पल, बेल्ट, स्कूल बैग, ट्रॉली बैग, जूते, सैंडल सब मिलती है इसकी दुकान पे। अब हमने ले लिया और हम जूस वाली दुकान पे आ गए, अब हम जूस पियेंगे। देखिए किस तरह, और हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हम घर की ओर आ चुके हैं। हम घर की ओर निकल चुके हैं। यहाँ नारियल के पेड़, पपीते के पेड़, चीकू के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, नारियल सबसे ज़्यादा है यहाँ। और हम लोग ज़्यादा भी कहीं भी जाते हैं तो ट्रेन का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि मार्केट ट्रेन में ही जाया जाता है।